जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की। नमस्कार दोस्तों, मैं मानसी सक्सेना एचपी न्यूज 24 में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। लॉकडाउन का उल्लंघन और सार्वजनिक जल कुंडों पर नहाने वाले लोगों पर प्रशासन ने की कार्रवाई। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में सार्वजनिक जलकुंड में नहाने वाले लोगों पर प्रशासन ने जमकर चालानी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि भारी संख्या में लोग छोटा महादेव, हाथी कुंड और विभिन्न जलाशयों कुंडों में नहा रहे थे, जहां पर की प्रशासन ने नहाना प्रतिबंधित कर रखा है। इधर SDM अमन वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे द्वारा सुबह से ही स्थान का निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान हमने नहाने वालों के ऊपर कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा 16,000 के लगभग चालान से राशि वसूली की गई है और उन्होंने लोगों से अपील भी की है। कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, कोई भी सार्वजनिक जल कुंड में स्नान ना करें और यदि स्नान करते हुए पाए गए तो चालानी कार्रवाई और अस्थायी जेल में डाला जाएगा। मंडावर से होकम प्रजापति की रिपोर्ट। लॉकडाउन लगा हुआ है आज के दिन, तो हम लोग ने इंस्पेक्शन करा एसडीओपी साहब के साथ, CMO के साथ, तो वहाँ पर पाया कि आदेश होने के बावजूद भी लोग मान नहीं रहे थे, बिना मास्क के वहाँ घूमने जा रहे थे। तो वहाँ से लोगों को पकड़ के लाया गया और उन पर चालानी कार्रवाई करी गई। आज दोपहर 12 बजे तक करीब 16,500 रुपये का फाइन हमने पेनल्टी लोगों पर लगाई हुई है। और कितने चालान बनाए सर? चालान हम लोग ने 16 करीब चालान बनाए। सर कितना जुर्माना इनसे वसूला गया है? सर जुर्माना हमसे 500 और कुछ लोगों से 1,000 रुपये। सर और प्रशासन के द्वारा और किस प्रकार से नज़र रखी जाए, क्योंकि कोविड का संक्रमण फैलता जा रहा है, और किस प्रकार से नज़र? मैं ये कहना चाहूँगा, मैं अपील करना चाहूँगा नरसिंहगढ़ वासियों से कि पुलिस प्रशासन और जो राजस्व विभाग है वो हमला लगा हुआ है हर जगह, लेकिन जो ये कुंड का रास्ता है वो बहुत गाँव से होता हुआ आता है, तो हम लोग सारे रास्ते तो बंद नहीं कर सकते हैं। हम लोग का जो प्रशासन है, जो हमला है, वो और भी चीज़ों में लगा हुआ है। तो मेरी ये हृदय से अपील है नरसिंहगढ़ वासियों से कि वो गंभीरता को समझें महामारी की, और वो लोग भी थोड़ा सावधानी बरतें, क्योंकि हर जगह हम लोग भी प्रेजेंट नहीं रह सकते हैं, तो उनका भी दायित्व बनता है कि देश को महामारी से मिटाने। सर चालान के बाद क्या कार्रवाई और मतलब इनके ऊपर की जाएगी? चालानी कार्रवाई के बाद इनको अस्थायी जेल में डाला जाएगा 1 दिन के लिए, और उसके बाद इनको शाम को छोड़ा जाएगा। सर ग्रामीण जनों से लोग आ रहे हैं दर्शन करने, तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? दर्शन मैं यही करूंगा, जो दर्शन करने आ रहे हैं कि आप जाके कुंड में नहाएं ना, दर्शन करें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाएं।